प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे, और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से, जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हैं या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, बीजेपी के, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। बीजेपी कुछ किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके, 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया इस पर बताएं सारे सांसद, तो बिहार की जनता तो जवाब मांग। कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई। देखिए अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया, और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं, पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है, हम अपने प्रत्याशी के लिए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीते। पप्पू यादव भी इंतजार में है।